हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की सब्ज़ी तो ये है बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है तो मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज करी लीव्स का ग्रीन चिल्लीस को अच्छे से कट करके ले लें हैं साथ ही हल्दी मिर्ची पाउडर मस्टर्ड सीड्स उड़द दाल और चना दाल और सॉल्ट ऑयल जिंजर गार्लिक पेस्ट जो घर पर बना है और हींग सो तो ये सब ले लिया है मैंने और इसमें मैंने मिर्ची पाउडर जो लिया वो तीखा लाल ला और कश्मीरी चिटी दोनों लिया है सो स्टार्ट तो मैं अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से हीट करने के लिए आ, रख दूँगी तो जैसे ही हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें अब मैं डालूँगी हमारे मस्टर्ड सीड्स सो so, ये थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल रेसिपी है सो इट्स दैट्स वाई यूल कौन सी उरद दाल और आ, चना की दाल जो मैंने अभी डाली है सो so, अब हमने उरद्रा चने की दाल को भी डाल दिया है और अब हम अच्छे से इसको आ, मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमको इसको भूनना है ताकि ये मिक्सर करना है कि ये जले नहीं बट एट द सेम टाइम ये अच्छे से पक भी जाए तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है फॉर फ्लेवर और अब मैं इसको अच्छे से एक मिक्स करूँगी एक टॉस दूँगी एंड इसको हम लोग ऐसे थर्टी सेकेंड्स के लिए अच्छे से कुक करेंगे एंड अब भी मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल दूँगी और इसको भी एक अच्छा सा टॉस दे देंगे और अच्छे से इसको सारी फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे सो विच इज़ टू कुक इट फॉर लाइक मोर थर्टी सेकेंड्स तो इसको एक अच्छा सा टॉस देने देते हैं सो so मैं यूजअली बीच में मिक्स करती रहती हूँ एंड अभी दिस पॉइंट हम इसमें थोड़ा सा प्याज जो हमने कट करके रखा था और करी लीव्स डाल देंगे तो मैं यूजुअली हमेशा प्याज के बाद करी लीव्स डालती हूँ ताकि हमारे जो करी लीव्स है वो जले नहीं अब इसको अच्छा सा टॉस देंगे और हमारे प्याज को पकने देंगे सो तो हमें प्याज को तब तक पकने देना है जब तक उसका कलर जो है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता सो तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया है एकदम तो हल्का सा इसलिए अभी इस पॉइंट पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसको भी अच्छे से पकाएंगे तब तक हम तब तक जब तक हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसमें उसका जो एरोमा है वो ना निकल जाए एंड देन इस स्टेज पे हम थोड़े तो से टमाटोज डाल देंगे सो टमाटोज़ आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस डिश सो इसके लिए हमने काफ़ी सारे डाले हैं सो so, इसको एक अच्छा सा मिक्स करेंगे अब हम एंड इसको अच्छे से पकाना है सो so, लेक यू नो जस्ट मिक्स इट वेरी वेल ताकि सारे फ्लेवर्स एंड एवरीथिंग उसमें टमेटोज़ में अच्छे से मिक्स हो जाए सो so, एंड इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर जो वन टी टेबल स्पून के करीब चिली पाउडर तो इस ये मैं दोनों मिक्स करती हूँ तीखा लाल भी और कश्मीरी चिली भी फॉर द कलर सो इसको एक अच्छा सा टॉस दे देंगे यू नो मिक्स करते रहना है लाइक like, एंड इसमें अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट uh, भी डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको डाल सकते हैं एंड इसके बाद हम इसको एक अच्छा सा टॉस दे देंगे अच्छे से मिक्स करके इसको अब हम उसके बाद हम जैसे हम मिक्स कर लेंगे इसको हम ढक के पका देंगे और ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी रेसिपी है बहुत ही जल्दी से बन जाती है एंड इसको आप पराठा या पालक पराठा बीटरूट पराठा किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं इवन विद दाल राइस एज़ वेल सो अब आप देख सकते हैं हमारा जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक गया है सो so, इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी बट एट द सेम टाइम इसको थोड़ा सा मैश भी कर लूँगी यू नो बिकॉज थोड़ा मैश करते हैं तो इट इट्स टेस्ट वेरी वेल उसको अच्छे से मैंने एक मैश कर दिया है एंड बस एक बार करछी चला के फिर से मैं इसको ढक के थोड़ा सा पकाऊंगी सो आई जस्ट कुक्ड इट फॉर मोर टू थ्री मिनट्स एंड देन अगर हम चेक करेंगे तो माई सब्जी इज़ ऑलरेडी डन सो so, अब हम इसको प्लेट करेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं बट इट्स लाइक अप टोटली अप टू यू आपको ये ग्रेवी कैसी चाहिए सो so, मुझे मुझे ये ऐसी ही पसंद है सो so, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं एंड एज आई सेड इसको आप पराठे के साथ या दाल राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू ट्राई थैंक यू फॉर वॉचिंग